तो सिद्धू मूसवाला द सो कॉल्ड सिंगर ऑफ पंजाब। आप सो फाइनली गाइस आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा आज वीडियो बनाने का मतलब ये था कि मैंने को अभी आप लोगों को पता होगा कुछ दिन पहले सिद्धू मूसवाला का डेट हो गया था मर्डर केस में, तो मैं उनके साथ देख रहा था वीडियो। जब जिम से आया वर्कआउट करके मैं सोचा कि चलो वीडियो थोड़ा देखते हैं उनके बारे में। उनका कल अंतिम हुआ, वो अंतिम का जो बोलते हैं उनके इसमें वो हुआ भाई का। तो मैंने बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर लोगों को भी देखा और बहुत सारे सिंगर लोग को देखा, जैसे कि हनी सिंह हैं, उन्होंने भी डाले उनके बारे में कि बड़ा फाड़ो इंसान था, मतलब एक नंबर इंसान थे वो भी। तो उनके बारे वीडियो देखता मैं नीचे देखते देखते एक वीडियो मेरे पास आया और वो लड़की को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, पायल नाम उसका। और अभी ये वही लड़की है जो अभी बीच में लॉकअप में जिसने धोया था, मुनव्वर फारूकी नाम का एक लड़का था उसने धोया था उसको। और ये शो था वो कंगना का शो था जिसका लॉकअप में था, जिसमें ये वही हारी लड़की है जो सबके बारे में बक 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 इतना चिल्लाती है ना, काम पका देती है। एक बार आप भी देखो और इसको ज़्यादा वीडियो दिखाऊं नहीं इसका। और ये वीडियो कहाँ से आया मुझे बस गलती से मिल गया। नमस्ते मैं हूँ पायल रोहतगी। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल बाबू 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 ये देखो बेटा देख अरे चॉकलेट। हाँ तो इसको ज़रा कमेंट मत हो जा रहा है इसको अच्छी तरह तो कि इस तरह नहीं करना चाहिए। और रही बात से गन वगैरह की, बेटा तू भी गन वगैरह रख पर परमिशन के, बिना परमिशन के नहीं, वो रखा था परमिशन के, वरना पंजाब पुलिस किसी को छोड़ती नहीं है। अगर मैं महाराष्ट्र पुलिस जैसा हार्ड है ना, उसे पंजाब पुलिस बहुत हार्ड है, तो समझ में आ गया होगा। तो इधर इसको देखो और इसको इतनी बेगैरती से बेइज्जती किया था पूरे शो के अंदर मुनव्वर फारूकी ने, और इतना बेइज्जती होने के बाद भी सुधरना नहीं हुआ, समझ नहीं आया इसको। और मैं नहीं आना चाहता था, मैं इसलिए आ रहा था, मैं उसको बहुत सारे वीडियो देखा पायल का। और अभी तेरे से अच्छा तो वो पूनम है रे, पूनम देखती सही है, कुछ भी करे बस सही, ऐसा तो धार्मिक के ऊपर तो नहीं बोलती है। और ये जब भी देखो मुसलमान के पीछे पड़ी रहती है, मुसलमान के और अभी देखो तो पाजी के पीछे पड़ गई। थोड़ा बहुत समझ डाल, आगे बढ़ रही है तो अच्छे से बढ़, ऐसे गाली फाली सुन के मत बढ़, गंदी बात गाली फाली बहुत दूर रहो, ऐसा मैं तो ज्ञान दे रहा हूँ समझ ली ज्ञान। और हम बच्चे लोग तुमको सिखाने आ रहे हैं ऐसी बातें, बच्चे लोग सिखाएंगे तो फिर कैसे चलेगा, इतने बड़े हो उम्र हो रही है, बुढ़ी हो रही है, 40-45 साल हो रही है हो रहा है। तो फैमिली अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो कमेंट करके बताना, लाइक शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इसके मोहताज नहीं है अपन, बट ये गलत था ना, गलत को गलत करना जरूर बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी है बता। तो थोड़ा तहजीब से रहो, एक दिन सबको मरना है, थोड़ा क्यों ना इज्जत कमा क्यों ना जाए। बच्चे लोग आके तुमको ज्ञान दे रहे हैं, तुमको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, शो में जा रहे हो वहाँ भी बेइज्जती होकर आ रहे हो और लोग कमेंट में क्या के सपोर्ट भी नहीं मिला तुम्हारे, देखो कितने बोर्ड से हार के आए, तो मुनव्वर फारूकी उससे हार के आए, क्या बताऊँ, चलो जान दो, जैसी करनी वैसी भरनी। बाबू क्या हुआ इसको ऐसा होना, देखो आप भी जब तक ऐसा बेइज्जती नहीं करोगे ना तब तक ये सुधरने वाली है ही नहीं। देखो ये करेला सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बट कड़वी बातें जो सबसे कड़वी बातें करता है। हाँ हाँ सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है लेकिन पसंद बहुत कम आता है और दाम भी बहुत कम है। हेलो थैंक यू। हाँ. I love Karela. तो हाँ, it's good तो, for the blood. हाँ, yes, yes, yes. But thank पसंद you. पसंद किसी को नहीं है। जिन लेडीज को पसंद है, हाँ तो वांदा नहीं, वांदा नहीं। कोई, अरे मैं बोल दे तो दो। तो पायल को इसलिए देना चाहूंगा कि वो जो लेवल तक जाती है उस लेवल तक जाके उससे लड़ नहीं सकते, इसलिए उसको अरे वो जिस लेवल, दिस इज द पीपल दे कॉल लेवल, इनका लेवल क्या है ये पूरी दुनिया ने देख लिया है, तो आप मेरे लेवल पे मत आओ अपना गेम फिर से शुरू करने के लिए। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल के लिए डोंट डू दिस गिरी हुई ओछी हरकत फिर से, लोगों को शो से निकाल देते हैं, मैंने नमक बंद कर दिया, मुझे गिरा हुआ ओछा इंसान बोलना शुरू कर दिया, क्यों, क्योंकि आपका ये गेम है। चुप, बिल्कुल चुप। हो गया हाँ हो गया, बस अब बोलूं। हाँ बोल। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये है कीचड़, कि कीचड़ में जब पत्थर मारते हैं ना तो अपने को ही उड़ता है, तो कीचड़ में पत्थर मारना मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन हर इंसान की एक लिमिट होती है। मेरी लिमिट, आप जैसे बोल रहे हो कि मैं ज्यादा वो नहीं करता हूं, मेरी लिमिट ज्यादा है, पेशेंस बर्दाश्त करने की शक्ति ज्यादा है, लाइफ में जो देखा है
उसने थोड़ा पत्थर टाइप का भी बना दिया और थोड़ा समझदार भी बना दिया, तो लिमिट ज्यादा है। वो जब लिमिट खत्म होगी तो उड़ेंगे लोग, क्योंकि मैं से हूँ, मेरे जगह का वो मजाक उड़ाती है, बोलती है। मैंने नहीं उड़ाया, तूने खुद अपने मुंह से बोला मैं यहाँ से हूँ, when you were slapping yourself, तो मैं like a mad psycho, you were slapping yourself, that is your limit, that is your limit, you were slapping yourself like a psycho. अरे बोलने तो, अरे बोलने देना है, चुप रहे। तो मैड और साइको जो दिखा था ना थोड़ी देर के लिए, वो आ जाएगा अगर और लिमिट लोग कोई क्रॉस करे। बट कीचड़ में पत्थर मारना भी बड़ों ने सीखा है कि नहीं मारना चाहिए, अपने पे भी छींटे उड़ते हैं, तो इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है। लेकिन अभी जो मैंने तुम्हारे को दिया करेला, तो कड़वा इसलिए कि तुम्हारी जबान की वजह से लोग बोलते जूते पड़े इतने ऊंचे, मतलब जितने जूते मारो उतने कम है जिसकी जबान गंदी और जिसकी जबान चिल्लाती ना, बक 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 करती ना कोई आवाज से। एक में खुद कान में ईयरफोन लगाई है, उसमें माइक के सामने ना मोबाइल के सामने चिल्ला के बोल रही है, क्या बताना क्या चाहती है। खुद को देखो खुद की आवाज़ पसंद नहीं है तो ईयरफोन लगा लिए उसमें, ताकि उसकी आवाज़ ज़्यादा से कान टाइट नहीं कर रही और हमारा कान पका रही है चिल्ला चिल्ला कर। सो जब मैं इनके आईडी में गया, मतलब इनके अकाउंट में गया और इनके वीडियोज देखा, वीडियो तो पसंद आए नहीं मेरे को, बट मुझे कमेंट पढ़ा ना तो लोग इसी को गाली दे रहे हैं, इसी को बुरा वाला बोल रहे हैं। तो क्या मतलब ऐसे वीडियो बना के खुद से को सपोर्ट नहीं, गाली मिल रही है, तो थोड़ा समझदारी लाओ।